हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया और उसमें हम फेल हो गए, और वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है। बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है। तो जैसे ही आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, और दुखी हो रहे हो ये गलती है, कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, अगर आप में पेशेंस है तो। आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो अब कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो, तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। रो रहे हो तो खुल के रोना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही। लाइफ को एक खेल की तरह देखो, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी हो, अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या। बार बार गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, तो कि क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, इसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, वो सब आपके लिए फन है। समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान है, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिले, चुप करना है वो खुल के करेंगे। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल। बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ।